ऐसे होते हैं जो दिखाए कुछ और जाते हैं, मगर असल जिंदगी में वो बेहद ही खूबसूरत होते हैं। अक्सर ही ऐसा होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में यूं तो दिखाया कुछ जाता है, मगर असली कहानी कुछ और होती है। आज एक ऐसी ही कहानी से पर्दा हटाएंगे हम, जब आप देखेंगे हमारा ये खास प्रोग्राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आप सभी की होस्ट नैन्सी, और आप सभी के लिए ये बेहद ही खास प्रोग्राम लेकर। इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे सस्पेंस से पर्दा आज मैं हटाऊंगी जिसे यकीनन आप सभी देखने के बाद, सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे। दरअसल देओल परिवार एक ऐसा परिवार रहा जिसमें सालों से आप यही सुन रहे होंगे कि हेमा मालिनी सनी देओल से ना तो बात करती हैं और ना ही बेटे सनी भी हेमा मालिनी को अपनी मां मानते हैं। मगर हम यहां पर आपको इस झूठी खबर से ऐसी सच्चाई की ओर लेकर जाएंगे जिसे यकीनन जानने के बाद फैंस जो इतने सालों से निराश थे वो यकीनन खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सनी और हेमा बीते दौरान चुनावों के दौरान अपनी किस्मत को आजमा रहे थे। सनी और हेमा के बीच की दूरियां हर किसी ने देखी है। चुनावों के दौरान भाजपा के हर एक प्रत्याशी ने एक दूसरे के लिए चुनावी प्रचार तो किया, मगर ना तो कभी हेमा ने सनी के लिए किया और ना ही कभी सनी ने हेमा के लिए किया। इसके पीछे की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। दरअसल जनाब, यहां पर हेमा मालिनी का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहां पर खुद हेमा मालिनी कह रही हैं कि सनी के साथ उनके रिश्ते बेहद ही खूबसूरत है। यानी कि जिस चीज को मीडिया के सामने दिखाया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि कहानी तो यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत है। अब ये जो रिश्ता दिखाया जा रहा था, दरार पड़ा हुआ, दरअसल दरार तो कभी पड़ी ही नहीं थी। हम यहाँ पर आपको अब बताएंगे किस तरीके से हेमा मालिनी ने यहाँ पर इसको बड़ा एक खुलासा कहेंगे हम, जो बड़ा खुलासा हेमा मालिनी ने किया है कि भाई सनी और उनके बीच के ये जो रिश्ते हैं वो कभी खराब थे ही नहीं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत परिवार है देओल परिवार। इस परिवार का हर एक सदस्य चर्चों का कारण बना हुआ है। इस परिवार का हर एक सदस्य खूब सुर्खियां भी बटोरता है। ये परिवार अपने बचे हुए दो रिश्तों को लेकर भी कई बारी चर्चा का विषय बना रहा, मगर हम यहाँ पर आपको एक ऐसे सच से रूबरू करवाएंगे, एक ऐसे झूठे पर्दे से हटाएंगे जो यकीनन आप सालों से सोच रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाई देओल परिवार के दो अहम सदस्य सनी देओल और हेमा मालिनी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अक्सर आपने ये बात तो सुनी होगी, भाई हेमा मालिनी सनी देओल से बोलना तक नहीं चाहती है, ये भी कई बारी आपने सुना होगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि हेमा मालिनी का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहलाई जाती हैं हेमा मालिनी, जहां पर ड्रीम गर्ल ने बेटे सनी के साथ अपने रिश्ते की सारी सच्चाई को खोल दिया। दरअसल आपको बता दें कि कुछ समय पहले हेमा मालिनी की किताब बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल को लॉन्च किया गया था। अब भाई जहाँ किताब हो अपने जीवन पर, तो यहाँ पर जीवन के उन किस्सों को तो जाहिर करना बनता ही है। अब यहाँ पर पति धर्मेंद्र भी रहे और बेटे सनी देओल भी। जी हाँ, आपको बता दें कि लोग सोचते हैं इस किताब में लिखा हुआ है कि हमारे बीच कैसा रिश्ता है। वहां पर उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत होती है सनी हमेशा साथ होते हैं। जब वो हादसा हुआ, यानी कि जब हेमा मालिनी के साथ 2015 में एक कार एक्सीडेंट हो गया था, तब सनी सबसे पहले मुझे देखने पहुंचे थे। वो सब चीजों का ख्याल रखते हैं, जिस तरह से वो ध्यान रखते हैं उससे साफ है कि हमारा रिश्ता कैसा है। बता दे कि भाई हेमा मालिनी यहाँ पर साफ तौर पर कह चुकी हैं कि सनी के साथ उनका रिश्ता खूबसूरत है। सनी देओल के साथ उनका रिश्ता एक फिक्र का रिश्ता है। भले ही मीडिया के सामने ये दोनों एक दूसरे से बात करने से बचते हो, भले ही मीडिया के सामने ये दोनों एक दूसरे से बचते आए हो, मगर भाई हेमा मालिनी और सनी का ये जो झूठी दरार भरा रिश्ता अक्सर दिखाया जाता है, ये महज एक झूठ है। जी हाँ, हम यहाँ पर आपको साफ तौर पर बता रहे हैं कि भाई जिस तरीके से हेमा मालिनी ने यहाँ पर बाइट को दिया है, और हेमा मालिनी यहाँ पर साफ शब्दों में कह रही है कि
सनी के साथ उनका ये रिश्ता बेहद ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर ये तो साफ हो ही गया कि हेमा मालिनी और सनी देओल के बीच में जितने भी मनमुटाव हैं वो सिर्फ महज एक दिखावा है। यकीनन देखा आपने, जिस रिश्ते में पड़ी दरार को आप दरार समझ रहे थे वो दरार तो कभी थी ही नहीं। हेमा मालिनी ने साफ कह दिया कि भाई सनी देओल के साथ उनके रिश्ते खराब हैं ही नहीं, इनका रिश्ता बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि आज तक तमाम अवार्ड फंक्शंस में, तमाम पार्टीज़ में यही देखा गया है कि भाई हेमा मालिनी सनी को देख कर छुपती हैं और सनी हेमा को। मगर वहीं अगर हम ईशा देओल की बात करें, यानी कि हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने चुनावी जीत के बाद सनी को बधाई दी, जिससे कहीं ना कहीं हर किसी को हैरानी भी हुई। जहां पर ईशा देओल परिवार की बेटी है तो वहीं सनी भी पहली माँ के बच्चे हैं और वो भी देओल परिवार के सदस्य हैं। अब ऐसे में देओल परिवार में कभी फूट थी ही नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये झूठी खबरें आज तक फैलाई जा रही थी, क्योंकि हेमा ने साफ कह दिया है कि ये रिश्ता बेहद ही खूबसूरत है और हमेशा ही बना भी रहेगा। हम भी यही चाहते हैं कि ये ऐसा ही खूबसूरत सा नाता अक्सर बना रहे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।